नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग से आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल एंड एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। दोस्तों, ये हमारी वीडियो सीरीज है 101 फॉर्मूला ट्रिक्स की, और इसमें मैंने एक क्यूरी को इंसर्ट किया है। हमारे एक यूट्यूब व्यूअर थे और मुझसे वो ट्रेनिंग लेने के लिए बोल रहे थे, शिरीष तिवारी। उन्होंने मुझे एक प्रॉब्लम भेजा है, तो मैं सोचा कि इसको हम इस वीडियो सीरीज में डाल दें। तो प्रॉब्लम ये है कि उनके पास इस तरह का डेटा है, जो डेटा आप देख रहे हैं इस तरह का डेटा है मंथली वाइज, और उनको ये चाहिए कि यहाँ से वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करे, यहाँ वो फॉर्म सेलेक्ट करे, यहाँ पे टू सेलेक्ट करे और यहाँ पे उसका टोटल आ जाए। तो टोटल ये जनवरी टू जुलाई भी हो सकता है, जनवरी टू दिसंबर भी हो सकता है, तो एक सिक्वेंस में कैसे है। हालांकि इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों है तो हम इसमें सम इफ्स तो नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को सम करने वाला है। अगर मैं सम इफ्स इस तरह से लगा दूं, सम इफ्स, हालांकि ये थ्योरी तो नहीं करती है, बट एक बार ट्राई करके देखते हैं, शायद हो जाए। प्रॉब्लम ये है कि इसमें सम कोई भी हो सकता है, प्रॉब्लम यहां पर है। और क्राइटेरिया वन रेंज जो है हमारा, वो इसमें से हमारा प्रोडक्ट होगा। अब क्राइटेरिया टू में जैन टू दिसंबर है, तो प्रॉब्लम यहां पे आ गई, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा नहीं कि होगा नहीं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा तिगड़म करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम यहां पे मैच का फॉर्मूला लगाएंगे, और मैच के फॉर्मूले से हम यहां ढूंढेंगे कि इसमें जो ए है जीरो जो है वो कहां पे आ रहा है, मतलब क्वार्टर थ्री जो है उसका रो नंबर क्या है। तो रो नंबर इज फोर, नहीं, हमें थोड़ा सा और करना पड़ेगा, ऊपर से नहीं मिलता है, रो नंबर इज फाइव। और फिर मैं एक और फॉर्मूला लगाऊंगा, किसका नहीं, जरूरी नहीं है कि हम ऊपर से ही लें, हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे ऑफसेट फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पे मैच का इस्तेमाल करूँगा, हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि इसके अंदर में चाहे डेटा सिलेक्ट कर लीजिए, एक डेटा सिक्योर, हाँ, पूरा रो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कि जनवरी जो है वो कहाँ से है। और सेम हम यहाँ भी किए कि अगेन मैच लगाया और हमने बोला कि जुलाई का कॉलम नंबर क्या है, जुलाई का कॉलम नंबर क्या है, हम यहां बना। अब चलिए इसमें हम ऑफसेट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि इक्वल ऑफसेट, यहां पे कर देते हैं इक्वल ऑफसेट। ऑफसेट में हमने रेफरेंस ले लिया कि यहां से हमें चार करोड़ नीचे उतरना है, 4-1 हो जाएगा यहां पे, 0, 1, 2, 3, हाँ 4-1। रेफरेंस हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा रो हमने बोला 4-1, कॉलम कितना कॉलम जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग हमारा जनवरी है तो 2, मतलब कि 2-1, क्योंकि ऑफसेट 0 से करता है। अब इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, हाइट तो एक ही है, बट विड्थ होना चाहिए डिफरेंस 8-2, अभी रिजल्ट 33 दे रहा है, तो 33 दे रहा है, तो इसके लिए हम यहां 33 रखिए, हमें इसमें से एक और माइनस करना पड़ेगा, नहीं माइनस नहीं करना पड़ेगा, एक बार देख लेता हूं, माइनस करना पड़ सकता है, लेकिन इसके लिए हमें सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सम के अंदर 193, मतलब कि जनवरी टू जुलाई क्वार्टर थ्री, जनवरी टू जुलाई क्या रिजल्ट आ रहा है, 252, तो
यहाँ पे छोटी सी गलती हुई है, लेकिन उसको हम पहले देखने के लिए हम जाते हैं फार्मूला मेनू बार के एवलेट फार्मूला में, क्योंकि इसमें माइनस डिफरेंस में माइनस करना है कि नहीं करना है, बस यही कंफ्यूजन है। एक बार देख लेता हूँ, ये आ गया 4-1 3 और ये आ गया 2-1 1 और हाइट में 8-2 मतलब कि 6। तो 6 आया तो यहाँ पे देख लीजिए कि हाइट इसकी विड्थ जो है 6 है कि नहीं है, मतलब यहाँ से जुलाई है ना, 1 2 3 यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 इसमें प्लस वन करना पड़ेगा, प्लस वन करना पड़ेगा। अब आया 252, मतलब कि एक बार करता हूं मैं मार्च कर देता हूं यहां पे मार्च, ये क्या हो रहा है, डेटा वैलिडेशन चेंज क्यों हो गया? ये कौन ले लिया उन्होंने, ये लेना चाहिए था उनको। मार्च 4 है 79, तो यहाँ देखिए क्वार्टर थ्री में मार्च 79, गुड आंसर। अब मैं करता हूँ, इसमें भी नंबर है यार, उन्होंने फाइल भेजा है गलत भेजा है, सही कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैं चाहता हूँ जून से और मैं चाहता हूँ अक्टूबर तक, 303। अभी अलग अलग आप समझिए क्या है ये फॉर्मूला, कैसे फॉर्म किया इस चीज को समझिए। तो बेसिकली ऑफसेट का फॉर्मूला दो चीजों पे काम करता है कि वी लुकअप की तरह अगर मुझे किसी सेल से डेटा लुकअप करना है रो एंड कॉलम के नंबर पे, तो रेफरेंस हमने यहां पे इसको सिलेक्ट किया, हमने बोला कि दूसरा नंबर रो एंड तीसरा नंबर कॉलम, इतना करके मैं एंटर मार दूंगा तो मैं 26 आया, मतलब कि इसने क्या किया कि 0 1 2 0 1 2 3 इसकी वैल्यू दे दिया 26 की, क्यों, क्योंकि 2 रो है एंड 3 कॉलन है, तो इसने यहां से 0 1 2 रो पे आया और 3 कॉलन है तो 0 1 2 3। इंडेक्स के मुकाबले इसमें एक ज्यादा जाता है, क्यों, क्योंकि 0 से काउंट स्टार्ट करता है और उसकी वैल्यू को शो कर देता है, बेसिकली वो वैल्यू को शो नहीं करता है, उसके सेल रेफरेंस F4 को शो करता है, और जनरली हम यहाँ पे इक्वल F4 लिखेंगे तो क्या होगा, उसकी वैल्यू ही तो दिखेगी, तो यहाँ वैल्यू दिखती है। लेकिन इसके बगल में आप देखेंगे कि यहाँ पे हाइट एंड विड्थ है, अगर मैं हाइट और विड्थ में मान लीजिए कि हाइट जो है हम 1 ही रखते हैं और विड्थ मैं कहता हूँ 2, तो फिर यहाँ पे एरर आया। तो ये कैसे समझेंगे आप कि इसको अगर मैं सम कर दूं तो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे देखिए 26, मतलब क्या हुआ कि 26 और F26 एंड G26 को मिला के रिजल्ट 96 दे दिया। अब इसको समझने के लिए आप इसको अगर आप फॉर्मूला बार में एवलेट करोगे तो पता चलेगा क्या हुआ है कि ऑफसेट में F4 से G4 का रेफरेंस दिया है। तो टू हमने हाइट और विड्थ क्या हुआ कि आपको कितने रो, मान लीजिए मुझे अगर F2 से लेके G3 तक चाहिए तो हमें हाइट को बढ़ाना होगा, लेकिन हाइट सेम कॉलम का चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे हमारा क्या है विड्थ, तो विड्थ हमारा ज्यादा है तो विड्थ को हमने 2 कर दिया, तो इसने क्या किया यहां 1 एंड 2 दो कॉलम को पकड़, तो सेम थिंग यहां हो रहा है। देखिए इसलिए क्या हुआ कि C2 से चला F2-1 क्योंकि एक कम चलता है, तो मैच ने क्वार्टर 3 का सीक्वेंस में बताया कि ये चौथे नंबर पे है, तो चौथा से एक माइनस किया चौथे नंबर पे है, तो चौथा से एक माइनस किया 3, तो यहां पे 0 1 2 3 यहां मिल गया,
अब इसमें हमने कॉलर में बोला कि जो स्टार्टिंग है जून है, तो जून 7वें नंबर पे, तो 7 से एक कम, तो यहां से हुआ 0 1 2 3 4 5 6, यहां 44 पे आ गया। अब मैंने बोला कि हाइट एक ही होना चाहिए क्योंकि मुझे इसी क्वार्टर का चाहिए। उसके बाद यहां पे मुझे अगर चाहिए F15 में, मैंने बोला F15 मुझे चाहिए कि यहां पे F15 माइनस F14 कि मुझे यहां से F15 माइनस F14 क्योंकि ये जो 11 आया है ये यहां से दूरी में प्रोडक्ट से लेके और जो मंथ अक्टूबर तहां तक की दूरी है, तो मैंने कहा कि इसमें से जून तक का दूरी को माइनस कर दिया तो मुझे जून से लेके अक्टूबर तक की दूरी पता चल गई, लेकिन एक कम हुआ इसलिए हम इसमें +1 कर दिए और हमारा रिजल्ट आपके सामने है। और जब चेंज करेंगे तो होगा। अब इसमें क्वेश्चन और उठता है कि अगर क्वार्टर 3 से लेके अगर क्वार्टर 5 तक का चाहिए तो हमें जो कंसेप्ट मैंने यहां लगाया है सेम कंसेप्ट मुझे यहां जो रो में मान दिया था उस पे देना होगा, और मुझे लगता है कि ये आप लोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप हमारी वीडियोज को देखते रहिए और इसको फॉलो करते रहिए, और हमारी ये DVD 101 फॉर्मूला ट्रिक्स की खरीदना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पर जाके परचेज कर सकते हैं। ये 2500 की DVD है जिसमें 100 से ऊपर वीडियोस हैं जिसमें हमने इसी तरह के फॉर्मूले ट्रिक्स के बारे में जिक्र किए हैं। अगर आपने फॉर्मूला को शार्प, आप अपने एक्सेल फॉर्मूला को, अपने रिव्यू फॉर्मूला को शार्प बनाना चाहते हैं और ज़्यादा उसको तराशना चाहते हैं तो हमारी ये DVD परचेज कर सकते हैं या फिर हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और दोस्तों को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए ताकि हमारा चैनल पॉपुलर और ज़्यादा पॉपुलर हो सके। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे कॉल कीजिए, हम आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। बस थोड़ी सी टाइम की कमी होती है, टाइम मिलते ही हम आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।